नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बहुत नशा करता है, जिसका नाम रवि है और उसकी एक छोटी बहन और बीमार माँ है। तो उसकी माँ के बहुत समझाने पर नशा करना छोड़ के काम की तलाश में शहर चले जाता है। और फिर वह काम की तलाश में दर दर भटकता है। आखिर में उसको एक होटल में काम मिल जाता है और वो मेहनत से काम करने लगता है। उसी बीच घर से काम पे आते जाते वो एक लड़की को पसंद करने लगता है और वो लड़की भी उसको। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर एक दिन काम पे जाते रवि की नजर दारू भट्टी पे पड़ती है और फिर उसको पीने का लालच बढ़ जाता है। तो रवि रोज काम पे आते जाते दारू भट्टी के सामने रुक के देखता है और फिर वो अपने आप को समझा के काम पे चले जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर अचानक एक दिन वो सोच लेता है कि आज कैसे भी पीना है और वो जाके अपने बॉस से तबीयत खराब होने का बहाना मार के एडवांस मांगता है और रवि का बॉस रवि को पूरे एक महीने का पेमेंट दे देता है। रवि वो पैसा लेके दारू लेने चले जाता है। जब वो दारू लेके अपने घर पहुंचता है तो रवि को चिट्ठी मिलता है जो उसके गांव से आया होता है, जिसमें उसकी बीमार माँ की मौत की खबर रहती है। पर रवि को पीने का इतना लालच रहता है कि वो लेटर नहीं पढ़ता और उसको किनारे फेंक पीने बैठ जाता है।
और नशे में वहीं सो जाता है। उतने में वो जिस लड़की को पसंद कर रहा होता है वो लड़की एक चिट्ठी रवि के दरवाजे के नीचे से डालकर चली जाती है, जिसमें लिखा होता है कि शाम को 4 बजे पास वाले पार्क में मिलने आना। तो रवि नशे की हालत में लड़की से मिलने चले जाता है और वहां जाके कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण लड़की उसको छोड़ के चली जाती है। फिर रवि घर जाके लगातार 3 दिन पीता है। उतने में रवि का बॉस रवि को देखने घर पहुंचता है। तो रवि को नशे में देख उसको काम से निकाल देता है। तब रवि की नजर उसके गांव से आए चिट्ठी पर पड़ती है। उसको पढ़ के वो नशे की हालत में गांव के लिए हड़बड़ी में निकलता है। और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। 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 जिससे कि उसकी बहन अनाथ हो जाती है और भीख मांगने लगती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि नशा करने से जिंदगियां कैसे उजड़ जाती हैं।